गाउट की बात करते हैं तो इसे क्रिस्टलाइन आर्थ्रोपैथी भी कहते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, कैसी? मोनो आर्टिकुलर होती है। इसके अलावा इसके अंदर मोनोसोडियम यूरिएट क्रिस्टल देखने को मिलते हैं जो कि जॉइंट डैमेज कोज करते हैं। इसके अलावा दे आर से डिपॉजिट इन किडनी ट्यूब्यूल। तो रिस्क फैक्टर के अंदर बात करें तो हाइपर यूरिशीमिया देखने को मिलता है किडनी फेलियर में, या फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्यूरिन हो गया जैसे कि रेड मीट हो गया। इसके अलावा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारा हाइपर यूरिशीमिया देखने को मिलता है। एक होता है लैश नयांस सिंड्रोम, तो उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें HGPRT की डेफिशिएंसी होती है और इट लीड्स टू यूरिक एसिडोसिस, मतलब यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। इसके अलावा एक होता है वोन गियर के डिजीज़, तो वोन गियर के डिजीज़ के अंदर भी क्या देखने को मिलता है, हाइपर यूरिशीमिया हमको देखने को मिलता है। गाउट अटैक की बात करें तो ये होता क्या है, ये सेल्फ लिमिटिंग एक अक्यूट इन्फ्लेमेटरी एपिसोड होता है। रिपीटेड अक्यूट गाउट एपिसोड कैन लीड टू क्रोनिक गाउट। ठीक है, तो क्रोनिक गाउट के अंदर क्या होता है, परमानेंट जॉइंट डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा परमानेंट डिपॉजिट ऑफ यूरेट क्रिस्टल AKA टोफाई। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ किडनी स्टोन्स मेड अप ऑफ यूरिक एसिड, यूरेट नेफ्रोपैथी, क्रिस्टल्स डिपॉजिट इन किडनी। ठीक है, और सिम्टम्स की बात करें तो मोस्टली इट अफेक्ट फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट ऑफ द फुट। व्हेन इट इन्वॉल्व्स बिग टो इट्स कॉल्ड पोडोग्रा, सिमेट्रिकल होती है। अब बात करें अक्यूट गाउट अटैक की तो स्वुलन वॉर्म और रेड जॉइंट हमको देखने को मिलता है एंड इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय अल्कोहल कंजम्पशन, दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट। अब हमें याद रखना है कि गाउट नो गाउट मतलब इट्स नेगेटिवली बायोफ्रिंजेंट, येलो लाइट येलो दिखता है पैरेलल लाइट में और परपेंडिकुलर लाइट में ब्लू दिखता है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन डिजीज़ की, जिसे स्यूडो गाउट भी कहते हैं। इसकी खासियत यही है कि ये पॉजिटिवली बायोफ्रिंजेंट होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर जस्ट लाइक गाउट।